हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर परमानंद पाटीदार जी हैं, आबकारी सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और कोटा के जो सहायक जिला आबकारी अधिकारी हैं। पाटीदार जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी के इस कार्यक्रम में। पाटीदार जी, जिस तरह से शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि 40-42 दिन के बाद में ठेकों को खोलने की अनुमति मिली है, तो कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना और तमाम बातें, और जिस तरह की ब्लैकमेलिंग चल रही थी और अब लग रहा है ये जो शराब की ठेकों पर लोग बड़ी मात्रा में खरीद के ले जा रहे हैं, इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या लगता है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की पालना हो रही है? नहीं, सरकार ने इसके लिए कई सारी गाइडलाइंस जारी की है जी, उन गाइडलाइंस के आधार पर ही शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी गई थी जी जी, जिसमें उनको जो है 5 व्यक्ति से ज्यादा दुकान पे इकट्ठे नहीं होंगे, बाहर 6-6 फीट की दूरी पे गोले बनाए जाएंगे और बैरिकेडिंग लगाई जाएगी जी, और हर दुकान के पर हमारा एक जो सिपाही है वो खड़ा होगा जी, और इसके साथ ही जो सेल्समैन है मुंह पर मास्क लगाएगा, हाथों में दस्ताने पहनेगा जी, और सैनिटाइजर से खुद को सैनिटाइज करेगा, जो भी ग्राहक आएगा उसको भी सैनिटाइज करेगा जी। इसके साथ ही वहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा जिसके अंदर उसका नाम और मोबाइल नंबर नोट किया जाएगा, ताकि कभी आगे ऐसी कोई समस्या आए तो उससे संपर्क किया जा सके। तो कहीं ना कहीं पाटीदार जी, आप लोगों की परेशानी बढ़ गई है, इसके साथ साथ ही आपको लगता है कितना राजस्व मिल जाएगा सरकार को इन शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति देने से? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस साल जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 12,500 करोड़ का है जी, और अन्य जैसे वेट और सब मिला के करीब 15,000 करोड़ का राजस्व राज्य सरकार को मिलता है पूरे साल भर में जी जी, और प्रति माह मतलब 1100-1200 करोड़ का राजस्व उनको प्राप्त होता है जी। आपको लगता है पाटीदार जी, जो अनुमति दी गई है रेड जोन में दी गई है, वहाँ ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठेकेदार के आदमी भी डर रहे होंगे, आपके विभाग के लोग भी, क्योंकि अब तक तो वो कोरोना वॉरियर्स में शामिल नहीं थे, लेकिन अब लोगों को रोकने के लिए वहाँ पर समझाइश के लिए जाना पड़ रहा है, तो वहाँ भी कहीं कहीं लोगों में टेंशन तो बढ़ गई होगी? कल कुछ जगह पे समस्या आई थी तो वहाँ हमने प्रशासन ने दुकानें बंद करवा दी थी, आज पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, और आज कहीं भी इस तरह की कोई समस्या नहीं आई और मीडिया में भी किसी तरह की इस तरह की खबर नहीं आई। कल जरूर कई जगह से इस तरह की समस्या आई थी, इस कारण से दुकानें बंद करा दी और सोशल मीडिया पे ये चला कि दुकानें बंद करने के सरकार ने आदेश कर दिया। इस गफलत की वजह से कई लोग भाग भाग के दुकानों पे जा रहे थे और वो शराब लेने का प्रयास कर रहे थे, जिस कारण से ये सोशल डिस्टेंस जो है सिस्टम वो कल टूट गया था कुछ जगह पे। पाटीदार जी, मैं जानना चाहूंगा रिकॉर्ड बिक्री हो रही होगी इन दिनों में तो? हाँ, पिछले कुछ दिनों से अब्रॉड आज और कल में काफी बहुत ज्यादा मात्रा में शराब बिकी है, अब जाके ग्राहक बहुत कम हो गए दुकानों पे, कुछ 5-7 ग्राहक से ज्यादा आज नहीं है। चलिए पाटीदार जी, आप हमसे जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ परमानंद पाटीदार जी, बता रहे थे कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, हालांकि आज का उन्होंने कहा कि काफ़ी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई है, तमाम जो नियम कायदे सरकार ने तय किए हैं उनकी पालना कराई जा रही है, प्रत्येक ठेके पर एक सिपाही भी खड़ा कर दिया गया है।